अंतस योग में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको थायराइड के लिए और डबल चिन के लिए कुछ बेहतरीन आसन बताएंगे। पहला आसन पद्मासन लगा लीजिए। अगर पद्मासन आपसे नहीं लगता तो ये पोज आप चेयर पर बैठकर भी कर सकते हैं। दोनों हाथ पीछे जमीन पर रख लीजिए। गहरा सांस भरते हुए गर्दन को पीछे की तरफ खींच दीजिए। महसूस करें, मेरी थायराइड ग्लैंड पहले से ज्यादा एक्टिव हो रही है। क्षमता अनुसार रोकते हुए सांस को छोड़ते हुए वापस। सेकंड पोज थायराइड के साथ साथ डबल चिन को कम करने के लिए दोनों हाथ कमर पर, अंगूठा आगे उंगलियां पीछे। 4 से 5 बार गहरा सांस भरते हुए पीछे जाएं, गर्दन में खिंचाव, कंधों में खिंचाव, गले पर महसूस कीजिए उस दबाव को। अगर आपको दैनिक दिनचर्या में कुछ भी करने का उत्साह का अभाव लगता है, हर काम में सुस्ती और नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, तो समझ लीजिए ये थायराइड के लक्षण हैं। इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए थर्ड वर्कआउट, दोनों हाथ पीछे साइड में रखते हुए सांस को भरते हुए पीछे देखिए, सांस को छोड़ते हुए सामने आइए। कम से कम 4 से 5 बार इसका अभ्यास। जब भी पीछे जाएंगे थोड़ा सा कंधों को उठाएंगे और हाथों को पीछे से और मिलाने की कोशिश करेंगे। यदि आपको रात को सोने में कठिनाई होती है या आपको बैठे बैठे बहुत कभी कभी असामान्य रूप से पसीना आता है, छोटी छोटी चीज़ों पर तनाव, हड़बड़ाहट, जल्दबाजी रहती है, तो समझ जाइए ये सब हाइपर थायराइड के लक्षण है। एक महत्वपूर्ण बात, इन सभी आसनों के साथ साथ आपको थोड़ी देर ध्यान भी करना होगा, क्योंकि थायराइड विकारों के अनेक कारणों में से तनाव को प्रमुख कारण माना जाता है। इसीलिए ध्यान, जो कि मन को शांत और निश्चिंत रखता है, दैनिक तनाव को कम करता है, बहुत उपयोगी है। कुछ पलों के लिए ओम का उच्चारण करना भी लाभदायक है। साइड बाय साइड गहरा सांस भरते हुए, जो कि थायराइड में भी डबल चिन के लिए भी। क्षमतानुसार होल्ड, धीरे से वापस रिलैक्स, दोनों तरफ से 5-5 टाइम्स। ऊपर देखते हुए गर्दन का खिंचाव ऊपर की ओर। इन सभी एक्सरसाइज के साथ साथ थायराइड की प्रॉब्लम वालों को अपने भोजन पर भी ध्यान देना होगा। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने भोजन में वो हाई फाइबर वाला भोजन सम्मिलित करें। इसके अलावा वसा और कार्ब्स की मात्रा को कम कर दें। ताजे फल, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली का सेवन हाइपोथायराइड में कम से कम करें। इसके अलावा दूध और दूध से बने पदार्थ, यानी वसा रहित दूध की सलाह दी जाती है। साथ ही साथ चावल, मसालेदार भोजन और फास्ट फूड से युक्त भोजन की उपयोगी मात्रा थोड़ा सा सीमित कर दें। इस प्रकार थायराइड में बहुत फायदेमंद है ये सभी योगासन। मिलता है तुरंत आराम। थायराइड न सिर्फ एक गंभीर समस्या है, बल्कि इससे हमारी पूरा डेली रूटीन बदल जाती है। हालांकि विभिन्न किस्म के पोज, स्ट्रेचिंग आदि के जरिए थायराइड को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन इन योगासनों के साथ साथ आपको अपनी डेली डाइट में सुधार लाना ही होगा। एक जरूरी बात, थायराइड की प्रॉब्लम वालों को अपने खाने पीने में आयोडीन युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए, यानी ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें आयोडीन की प्रचुर मात्रा में पाया जाता हो। इसका कारण यह है कि आयोडीन की मात्रा ही थायराइड की क्रियाशीलता को प्रभावित करती है। इसके अलावा कॉपर और आयरन से युक्त आहार लेना भी थायराइड में काफी लाभदायक होता है। इससे थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है। कॉपर के लिए आप काजू, बादाम, नट्स ले सकते हैं। आयरन के लिए आपको हरी और पत्तेदार सब्जियों से बेहतर विकल्प हो ही नहीं सकता। विशेष रूप से पालक में आयरन की भरपूर मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा थायराइड के मरीजों को पनीर और हरी मिर्च के साथ टमाटर का भी सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये भी थायराइड ग्रंथि के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा कुछ घरेलू उपाय भी अत्यंत लाभदायक हैं, जैसे कि गाय का दूध भी इसके मरीजों को पीना चाहिए। लेकिन कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जिनके इस्तेमाल से बचें।
थायराइड के मरीजों के डाइट चार्ट में सोया और उससे बने खाद्य पदार्थों का कोई स्थान नहीं रहना चाहिए। दूसरा, थायराइड के मरीजों को जंक और फास्ट फूड से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि फास्ट फूड थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा परहेज करने वाली सब्जियों की बात करें तो ब्रोकली, गोभी जैसे खाद्य पदार्थों से दूर ही रहना चाहिए। ऐसी ही जानकारियों के लिए जुड़े रहिए अंतस्यो। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर कोई नई जानकारी के साथ मिलेंगे। देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। योग साधना की सीढ़ी है, योग में आओ ढले, आओ योग के संग चले, आओ योग के संग चले, चलो योग के संग चले। स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र लोगों, स्व का तंत्र अब जान भी जाओ। आत्मा का परमात्मा से मिलन कराओ, आत्मा का